फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस चैनल बायोलॉजी के नोट्स पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी की। जी हां, टैक्सोनॉमी यानी कि वर्ग की। इस लेसन में यानी इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, वर्गीकरण की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं या किस प्रकार अब तक वर्गीकरण किया जाता है, इन सभी चीज़ों का जिक्र आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति आज चर्चा करने वाला हूँ टैक्सोनॉमी के कुछ पॉइंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की कि क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन। तो हम आपको बताएं कि जीवों को उनकी समानता और विभिन्नता के आधार पर अलग अलग समूहों में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ही, कैटेगराइज करना ही वर्गीकरण कहलाता है। यानी जीवों में जो भी सिमिलरिटी है, डिससिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेस पे उन्हें अलग अलग समूहों में डिवाइड करना, अलग अलग ग्रुप में विभाजित करना, बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वर्गीकरण यानी कि ग्रुप में डिवाइड कर देना। जैसे कोई एक विद्यालय है, कोई एक स्कूल है, तो स्कूल में बच्चों का विभाजन होता है। किस आधार पर होता है? कुछ क्लास टेंथ के बच्चे हैं, कुछ क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि होता है कि ये आर्ट्स के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं या साइंस के हैं, तो उनको अलग अलग ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और ये जो डिवीजन है, ये जो करेक्टराइज करने का जो तरीका है, वह किस बेस पे होता है? उनके अंदर की जो सिमिलरिटीज है और डिससिमिलरिटी है उसके बेस पे। जैसे क्लास टेन का जो बच्चा होगा वो ट्वेल्थ के बच्चों से अलग होगा, अलग ग्रुप में है, अलग क्लास में है, इसलिए इसको डिवाइड किया गया है। साइंस के बच्चे जो होंगे कॉमर्स से अलग होंगे, कॉमर्स के जो बच्चे होंगे आर्ट्स से अलग होंगे, इस तरीके से उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये है उनके बीच की डिससिमिलरिटी। और साथ ही साथ इन ग्रुपों में सिमिलरिटी भी होती है। जैसे क्लास 12 के सभी बच्चे एक समान होंगे क्योंकि वह एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्लास बायोलॉजी के सभी बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये उनके अंदर सिमिलरिटी है। उसी तरीके से इस नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म को भी उनके सिमिलरिटी के बेस पे, डिससिमिलरिटी के बेस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। और इसी डिवीजन को, इसी कैरेक्टराइज करने की जो तरीका है उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। जी हाँ, कैरोलस लिनियस, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के पिता कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। जी हाँ, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की इकाइयाँ। जैसे किसी भी जीव को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनको जब अलग अलग ग्रुपों में हम लोग विभाजित करते हैं तो किन ग्रुपों में करते हैं, उनकी कुछ इकाइयाँ होती हैं, उन्हें बांटने का एक तरीका होता है जिन्हें हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम आपको बता दें कि देयर आर 7 यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की कुल 7 इकाइयां होती हैं। जी हाँ, 7 इकाइयां, वर्गीकरण 7 इकाइयों में किया जाता है। आइए जानें कि ये 7 इकाई जिनमें हम किसी भी जीव को वर्गीकृत करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला यूनिट है वो है किंगडम यानी कि जगत। जगत के बाद आता है फाइलम यानी कि संघ, फिर आता है क्लास यानी कि वर्ग, फिर आता है ऑर्डर यानी कि गण, उसके बाद फैमिली यानी कि कुल, उसके बाद जेनस यानी कि वंश, और लास्ट है स्पीसीज यानी कि जाति, किसी भी जीव की जाति। तो हमने ये देखा कि वर्गीकरण की कुल 7 इकाइयां होती हैं, देयर आर 7 यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज द किंगडम, सेकेंड फाइलम, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स जेनस एंड 7 स्पेसीज। तो ऐसे पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि किंगडम इज द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जगत जो होता है वह किसी भी जीव का या किसी भी वर्गीकरण का सबसे बड़ा इकाई होता है। वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है जगत, जबकि स्पेसीज यानी कि जाति जो है वह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयाँ होती हैं।
अब हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से पहले हम आपको बता दें कि जब इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु या वनस्पति पाए जाते हैं उनका एक नामकरण किया जाता है। जिस प्रकार किसी भी घर में बच्चे होते हैं तो उन बच्चों का एक नामकरण किया जाता है कि आज से हम इन्हें इस नाम से बुलाएंगे, या किसी का ये नाम है, किसी शहर का वो नाम है, नदी पहाड़ सबका नाम होता है। उसी तरीके से पेड़ पौधों और वनस्पतियों को, जीव जंतुओं का भी एक नाम रखने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो वर्गीकरण के पिता यानी कैरोलस लिनियस ने सभी जीवों का दो नाम रखने का एक सिस्टम स्टार्ट किया, एक प्रथा स्टार्ट किया, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धतिकरण। इस नाम में या इस पद्धतिकरण में सभी जीवों का दो नाम रखा जाता है। जी हाँ, सभी जीवों का दो नाम रखा जाता है। एक नाम का जो पहला शब्द होता है वह उनके जीनस को शो करता है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था वो कैरोलस लिनियस द्वारा 1753 में स्टार्ट किया गया। 1753 में, 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने यह बताया कि प्रकृति के जितने भी जीव हैं इनके दो नाम लिखे जाएं। पहला नाम का जो शब्द होगा वह उनके जीनस को शो करेगा और दूसरा उनके स्पेसीज को शो करता है। नाम का पहला शब्द उनके वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा जो है उनकी जाति को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के स्वरूप हम आपको ये बताएं कि जैसे मेढक का साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम जो है वो है राना टिग्विना, राना टिग्विना। तो राना जो वर्ड है यह मेढक के जेनस को शो करता है, जबकि टिग्विना उसके स्पेसीज को शो करता है। इसी प्रकार मैंगीफेरा इंडिका, जैसे आम का बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जो है वह आम के जीनस को शो करता है, यानी आम जो है मैंगीफेरा वंश का है और उसकी स्पेसीज क्या है, इंडिका। उसी तरीके से जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का जो मॉडर्न मैन है उनका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। जी हाँ, नाम आपने सुना होगा होमो सेपियंस। होमो जो है वह मनुष्य यानी हम लोगों के जीनस को शो करता है और सेपियंस जो है वह ह्यूमन बींग्स के स्पेसीज को शो करता है। तो इस प्रकार आपने समझा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने 1753 में स्टार्ट किया था और उन्होंने बताया कि वर्ल्ड के सभी यानी इस नेचर में, इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म को दो नाम से कैटेगराइज किया जाएगा। फर्स्ट जो होगा उनके जेनस को शो करेगा और दूसरा जो होगा उसके स्पेसीज को शो करेगा। बाद में ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी। ये दिक्कतें क्या थी, जैसे बहुत से ऐसे स्पेसीज थे जिनके सब स्पेसीज आते थे, अब ऐसे में उनका नामकरण करना काफ़ी ही मुश्किल होने लगता था। फिर कैरोलस लिनियस ने ही अपने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में संशोधन करके उन्हें ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बदल दिया, यानी कि ऐसे जीव जिनके नाम दो से अधिक वर्ड से होंगे, या हम यह कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनके स्पेसीज की सब स्पेसीज आती हैं, जिनके जातियों की उपजातियां आती हैं, तो उनका नाम तीन वर्ड्स में लिखा जाता है, थ्री वर्ड्स में लिखा जाता है। तो अब थ्री वर्ड्स होने की वजह से इसे टर्म दिया गया ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें जो पहला वर्ड्स होगा वह उसके जेनस को शो करेगा, नाम का दूसरा वर्ड जो होगा वह उसके स्पेसीज को शो करेगा और नाम का जो तीसरा वर्ड्स होगा वह उसके सब स्पेसीज को शो करेगा। फॉर एग्जांपल जो प्रेजेंट टाइम मैन है, वर्तमान मानव, मॉडर्न मैन के बाद इस समय के जो मैन हैं उन्हें प्रेजेंट टाइम मैन कहा जाता है, वर्तमान मानव। उनका साइंटिफिक नेम जो होता है वह होता है होमो सेपियंस सेपियंस। जी हाँ, उनका साइंटिफिक नेम जो प्रेजेंट टाइम मैन है उनका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस, यहाँ पर सेपियंस वर्ड दो बार यूज किया गया है। इसमें होमो जो है वो मॉडर्न मैन की प्रेजेंट टाइम मैन के जेनस को शो करता है, फर्स्ट सेपियंस वर्ड्स जो है वह उनके स्पेसीज को शो करता है और जो सेकंड सेपियंस वर्ड है वह उनके सब स्पेसीज को शो करता है। इस तरीके से ऐसे बहुत से स्पेसीज आते हैं जिनकी सब स्पेसीज यानी उपजातियां आती हैं। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट का जब नॉमेनक्लेचर किया जाता है तब उनके नाम में
थ्री वर्ड्स यूज किया जाता है, और थ्री वर्ड्स यूज करने का ये जो तरीका है वही ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। इसमें फर्स्ट जो है उनके जेनस को शो करेगा, सेकेंड उनके स्पेसीज को शो करेगा, और थर्ड जो है वह उनके सब स्पेसीज को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के कितने यूनिट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।